नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया के एक महा और खास उपाय के बारे में। अक्षय तृतीया यानी कि अक्षय पुण्य फलों को देने वाली अक्षय तृतीया। दोस्तों, धनतेरस भी इसे कहा जाता है गर्मियों का। एक चीज बता दे कि यदि आपको जीवन में धन के लिए परेशान है, बहुत कर्ज है, तो विश्वास मानिए कि एक बार विश्वास करके आप इन उपाय को करिए, फिर देखिए जीवन में कैसे चमत्कारी परिवर्तन होता है। तो बिना कुछ सोचे समझे आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद आप इन खास उपायों को अपने जीवन में जरूर करिएगा। देखिए कैसे बड़े चमत्कारी परिवर्तन होते हैं। समय बहुत कम है और दोस्तों इसलिए कुछ चीज़ें आपको खरीद करके भी लानी होंगी, इसलिए वीडियो में थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इसे शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम जानते हैं कि हम अक्षय तृतीया कब मनाएं। दोस्तों, हमें अक्षय तृतीया मनाने का योग 2 दिनों में प्राप्त हो रहा है। अक्षय तृतीया जो है वो 22 तारीख और 23 तारीख दोनों ही दिन में मनाई जा रही है। तो श्रेष्ठ किस दिन है? बिना सोचे समझे 22 तारीख को आप अक्षय तृतीया का पर्व बनाइए। जो भी चीज़ें खरीदनी है खरीद लीजिए। कन्फ्यूजन है लोगों को कि शनिवार का दिन पड़ रहा है कि क्या हम चीज़ें खरीद सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये त्यौहार बहुत बड़ा है। जिस दिन कोई विशेष तिथि होती है उस दिन दोस्तों इसका विशेष महत्व समाप्त हो जाता है। बुधवार यानी कि शनिवार तिथि यानी कि तृतीया तिथि है और अक्षय तृतीया आपके लिए विशेष है। तो दोस्तों, शनिवार का नहीं बल्कि अक्षय तृतीया का विशेष महत्व लिया जाएगा, क्योंकि इससे सामग्री जिसे खरीदनी है, कोई चीज़ खरीदनी है, खरीद सकते हैं। चलिए विशेष बात कर लेते हैं कुछ खास उपायों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, अक्षय तृतीया पर ये तो सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और नई नई चीज़ें की जाती हैं, ये खरीदना वो खरीदना। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बता दें जो सबसे ज़्यादा विशेष कहा करते हैं कि जब पूजा पाठ उपायों के बाद में भी लक्ष्मी नहीं आती है तो व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके पितृ हैं या फिर उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अप्रसन्न हैं। जैसे कि दोस्तों कुछ चीज़ों में दोष लग जाता है, उसे हम प्रतिदोष का नाम देते हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए? हर परिवार के लिए आपको गांठ बांध लेनी है कि आपको ये काम अक्षय तृतीया पर करना ही करना है। कौन से काम? तो दोस्तों शनिवार का दिन है, आप अपने घर से थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध गाय का, और थोड़ा सा जल और काला तेल मीठा मिलाकर पीपल में जल अवश्य चढ़ा दीजिएगा। एक चीज़ समझिएगा कि चाहे आप लाज पूजा पाठ कर लें, लेकिन अगर आपके जीवन में सफलता नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको पितरों का अक्षत दोष होना बता रहा है। साथ ही साथ उस दिन कोई प्रार्थना नहीं होगी, आप उस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करते हो, बस यही प्रार्थना करेंगे कि हे नारायण, हे श्री हरि विष्णु, आप अपने चरणों में हमारे पितरों को स्नान दीजिए। जब पितर प्रसन्न होंगे तो आप इस लोक पर ही दोस्तों निश्चित रूप से प्रसन्नता के भी भागीदारी बन जाएंगे। दोस्तों 2023 की अक्षय तृतीया अत्यंत मंगलकारी मानी जा रही है, जो कि विशेष भी है। दोस्तों अब हम आपको अक्षय तृतीया के दिन 25 खास बातें बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो आप लोगों को जानना बेहद ही आवश्यक है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करना अति शुभ फलदायक माना जाता है। सही मायने में अगर देखा जाए तो अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप ही शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं, तो आपको भी जानना बेहद ही आवश्यक है। अक्षय तृतीया की 25 खास बातों को आप में से अधिकतर लोगों को ये लग रहा होगा कि अक्षय तृतीया बस एक त्यौहार की तरह ही तिथि होती है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अक्षय तृतीया कोई साधारण तिथि नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन जो भी कार्य करते हैं, जो भी वाहन खरीदते हैं, जो भी शुभ कार्य करते हैं, उसमें अक्षय हो जाता है, अर्थात वह समाप्त ना होने वाला हो जाता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। माँ लक्ष्मी आपका कल्याण करें। दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के घर पर धन देने स्वयं आती हैं। दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन क्या खरीदना चाहिए? तो अधिकतर लोग नए वाहन अक्षय तृतीया के दिन लेना काफी शुभ कार्य मानते हैं। इस दिन गृह प्रवेश करना भी काफी शुभ माना जाता है। यदि आप इस दिन नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं तो दिल खोलकर प्रवेश करें। आभूषण इत्यादि जैसे
जो भी शुभ कार्य खरीदने के लिए होते हैं वो भी शुभ माने जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन सभी के जीवन में अच्छा भाग्य और सफलता ये अक्षय तृतीया लाती है, इसीलिए जमीन जायदाद संबंधी जैसे कि शेयर मार्केट, जो भी अच्छे इसमें निवेश करते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे कोई भी आप शुभ कार्य करना चाहते हैं, दुकान की अगर ओपनिंग करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। इस दिन ओपनिंग करते हैं तो आपके कारोबार में आपको काफ़ी उन्नति मिलेगी। अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है, यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होता है। अगर बुरा काम करेंगे तो उस काम का भी परिणाम कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता, इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन अच्छा काम करना चाहिए और बुरे काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देवताओं ने धरती पर 24 स्वरूपों में अवतार लिया था। इसमें छठा अवतार भगवान विष्णु जी का परशुराम स्वरूप माना जाता है। भगवान विष्णु ने 24 अवतार लिए थे जिसमें छठा स्वरूप परशुराम जी का माना जाता है। तो दोस्तों, पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतीया को ही बताया गया है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान जो परशुराम है इनका जन्म हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई थी। सतयुग, द्वापर व त्रेता के प्रारंभ की गणना भी इसी दिन से की जाती है। शास्त्रों में ये भी मान्यता है कि वर्तमान में व्यापारिक रूप से दिया गया, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल अध्यक्ष से हटकर लोग खरीदारी में लगे हैं। वास्तव में ये वस्तु खरीदने का दिन नहीं, बल्कि वस्तु खरीद करके अपना संचित धन खर्च करने का ये नया दिन होता है। इस दिन जितना ज्यादा हो सके आप जो है धन को संचित करके रखें। इस दिन हमें खर्च करने से बचना चाहिए। इस दिन यदि आप धन संकेत करते हैं तो दोस्तों वह अक्षय हो जाता है, अर्थात वह समाप्त नहीं होता। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि वैशाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, और इसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं। इस दिन जो भी चीजों की खरीदारी करते हैं वह अक्षय हो जाती है, ना समाप्त होने वाली हो जाती है। दोस्तों, वैशाख मास की विशेषता में इसमें आने वाली जो अक्षय तृतीया है इसे असुला हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदी पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में स्पष्ट लिखा हुआ है। इसके बारे में आप भी जान सकते हैं। जो अक्षय तृतीया होती है ये जो समय है ये अपनी योग्यताओं को निखारने का और अपनी श्रद्धा को बढ़ाने का उत्तम दिन होता है। ये मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कहने का मतलब मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगी कि इस दिन जो भी आप दान पुण्य करते हैं वह अक्षय हो जाता है, न समाप्त होने वाला हो जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में दान को बहुत ही महत्वपूर्ण कहा गया है। जो व्यक्ति दान करता है ऐसे व्यक्ति को जीते जी सुख मिलता ही मिलता है, मरने के बाद में भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, और उन्हें अगर उनका जन्म हो जाए तो ऐसे व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं होते हैं, अर्थात अक्षय हो जाता है। तो इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। ऐसा भी कहा जाता है कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आधा तीज के रूप में कई जगह इसे त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आप लोगों को कौन सी खास चीजों का ध्यान करना चाहिए। या कि दोस्तों जानिए कि हम आखिरकार दान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस दिन किया गया दान अक्षय हो जाता है, न समाप्त होता है और न ही कम होता है, बल्कि इसका प्रभाव बढ़ता ही जाता है। दान को एक ऐसा ही हम बोल सकते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में दान एक प्रकार की कौवे में आता है, सत्कर्म होते हैं, इस प्रकार दान भी कर्मों में आता है। दोस्तों, इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर सामर्थ्य अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, चुराई, हाथ से बने पंखे, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। हाथ से बने पंखे क्यों दान करने चाहिए, क्योंकि गर्मी का सीजन होता है तो हाथ से चलने वाले पंखे दोस्तों आप लोगों को दान अवश्य करने चाहिए। इसमें दोस्तों आप लोगों को दान देना विभिन्न रूप से आप लोगों के लिए लाभदायक होता है और प्रबल रूप से आप लोगों के लिए काफी सहायक भी साबित होता है, तो ऐसे दान आप लोग को अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन कुछ खास काम करने हैं, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो सकता है। अक्षय तृतीया के दिन आपको अपने घर पर अंधेरा नहीं रखना है। याद रखें कि 22 अप्रैल के रात दिन
पूरा दोस्तों शुभ दिन चलेगा। पूरे रात पूरे घर पर आप लोग को बल्ब जलाकर रखना है। अब मान लीजिए बल्ब आप नहीं जलाना चाहते हैं तो कृपया करके एक एक दिया अवश्य जलाइएगा। दूसरा दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन बिना नहाए तुलसी के पत्तों को गलती से भी मत तोड़िएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि जो तुलसी का पौधा होता है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी वास करते हैं, तो अक्षय तृतीया वाले दिन गलती से भी तुलसी के पौधे को बिना नहाए धोए छू मत लीजिएगा। और जैसे ही नहा धो लें, पूरे तुलसी के आसपास का जो क्षेत्र हो उसको साफ सुथरा कर दीजिएगा, पानी वहां पर बिखेर दीजिएगा। तीसरा दोस्तों, अक्षय तृतीया वाले दिन आपको भूल करके भी तामसिक भोजन तो करिएगा नहीं, वरना आपका दुर्भाग्य ऐसे उदय हो जाएगा, पीछे पड़ जाएगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, पान, मसाला, नॉनवेज खाना। इन सब चीज़ों से आपको अक्षय तृतीया वाले दिन पूरी तरह से दूर रहना है। और अक्षय तृतीया वाले दिन न ही आप लोगों को केवल अपने बड़े बुजुर्गों से बल्कि अपने छोटों से भी तेज़ आवाज़ में बात नहीं करनी है। अक्षय तृतीया वाले दिन यदि आप किसी भी जानवर को बेवजह सताते हैं तो उससे भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको बताया कि अक्षय तृतीया के दिन वह कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भूल करके भी नहीं करने चाहिए। अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कौन से उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले सुन लीजिए, अक्षय तृतीया वाले दिन जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराई, हाथ से बने पंखे, वस्त्र, मटके का अगर आप दान करते हैं तो ऐसा माना गया है कि जब भी आप मृत्यु लोक जाएंगे, जहां पर आपके कलयुग के जो भी पाप होंगे उनको गिना नहीं जाएगा। इससे आपको भौतिक सुखों में प्राप्ति होती है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, अक्षय तृतीया के दिन यदि दोस्तों आप लोग अपने घर पर सत्तू बनवाते हैं तो माना जाता है कि इसे ना केवल आपको भगवान विष्णु बल्कि माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। हमारे धर्मशास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अक्षय तृतीया वाले दिन घर में सत्तू जरूर बनवा लीजिएगा। सत्तू जो चैनल की यानी कि जो आटा होता है, जौ का आटा होता है, उसको बनवाने से ना केवल आपको धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक लाभ की भी प्राप्ति होती है। धार्मिक लाभ का मतलब ये है कि इससे आपकी कुंडली में कई प्रकार के दोष खत्म होंगे ही होंगे। इससे आपको मानसिक रूप से भी शांति मिलेगी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। और साइंटिफिक बताया जाता है कि जो सत्तू होता है वह दोस्तों हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा शीतलता पहुँचाता है, और ये चल रहा है गर्मी का महीना। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली 11 वर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।